जी क्या हाल है सबके। आई होप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे। तब ले लो मजे, क्योंकि जापान ने सारे वीजा ओपन कर दिए भाई साहब। पिछले 6 महीने 1 साल से मुझे इतने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे इंस्टाग्राम में, वीडियो के कमेंट में, कि भाई वीजा कब ओपन हो रहा है, जापान का टूरिस्ट वीजा कब ओपन हो रहा है। तो यार मैं भी परेशान हो गया था और आप भी जापान आने के लिए परेशान हो गए, तो फिर मुझे लगा यार कोई रास्ता निकालना पड़ेगा भाई, नहीं तो ऐसे काम तो चलेगा नहीं। फिर मैं गया सीधे जो जापान का प्रधानमंत्री है उससे जाके बात किया मैंने, फोन लगाया, मैं कहा भाई क्या हो गया, वैसे भी जापान की इकोनॉमी गिर रही है और तुम टूरिस्ट वीजा ओपन नहीं कर रहे हो, इन्होंने स्टूडेंट वीजा भी बहुत लेट ओपन किया था, तो मैंने कहा टूरिस्ट वीजा ओपन कर दो कम से कम, आपकी वैसे भी कंट्री टूरिज्म से चलती है, अगर आप ओपन नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। अच्छा तो भाई फिर इन्होंने मेरी बात सुनी और जाके इन्होंने भाई साहब फाइनली इन्होंने अक्टूबर 11 तारीख से इन्होंने वीजा ओपन कर दिया टूरिस्ट का, सारे वीजा ओपन कर दिए, जो मल्टीपल और सिंगल एंट्री वीजा होते ना दोनों वीजा इन्होंने ओपन किया, और टूरिस्ट वीजा अप टू अप 90 डेज तक का अप्लाई कर सकते 3 महीने तक का। इतनी खुशी। इन्होंने पहले क्या किया था कुछ टाइम के पहले कि इन्होंने टूरिस्ट वीजा तो ओपन किया था, इन्होंने बोला था अगर आप वहां से अगर आप आते जो ऑथराइज्ड है, जिन्होंने इन्होंने थोड़े बहुत को ऑथराइज्ड किया था, तो वहां से अगर आप आते हैं तो आपको टूरिस्ट वीजा मिलेगा, अर्थात अगर सेल्फ अगर आप करना चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगा। तो इनका डे बाय डे भाई साहब इनकी बहुत इकोनॉमी गिर रही है, आप पैसे भेजते हैं 1 लाख पहुंचता है 52,000 तक। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कभी कभी तो लगता है यार इंडिया ठीक है या फिर दुबई चले जाते हैं, यहाँ पे तो मजा नहीं आ रहा क्योंकि दुबई की करेंसी अपने इंडिया से ऊपर जा रही है। बट हाँ इंडिया 5 साल के बाद बहुत ग्रो करेगा, ये मुझे भी पता है आपको भी पता है, तो देख लेना क्या करना। हाँ रही बात टूरिस्ट की, तो भाई आप यहाँ पे वीजा सारे ओपन हो गए हैं और आप यहाँ पे टूरिस्ट वीजा में आ सकते हैं। बसरते एक इनकी अभी ये थोड़ी सी वीडियो शायद मेरी जाते लेट हो जाएगी, 11 तारीख के शायद बात जाएगी, क्योंकि अब थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, जॉब भी रहती है, आपके लिए वीडियो भी बनाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत दिल से सॉरी है। तो आपका ना जो दिल्ली इमिग्रेशन है वहां पे अभी तक अपडेट नहीं है कि आप वहां का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और भी जितने भी जहां पे इनकी इमिग्रेशन है एम्बेसी वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी तक जो दिल्ली इमिग्रेशन है वहां का कोई इनका अपडेट नहीं है। बट हाँ थोड़े टाइम के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, वहां से भी हो जाएगा क्योंकि दिल्ली तो कैपिटल सिटी है हमारे इंडिया की, तो वहां तो ओपन होगा ही होगा, और कहीं पे हो चाहे ना हो तो वहां पे भी ओपन हो जाएगा। भैया आपको घबराने की कोई बात नहीं है, जिनके भी पैसे रखे हुए इकट्ठा करके टिकट उकट फ्लाइट की ले रखी है तो भैया आ जाओ, अब वेलकम है जापान आपका, वेलकम कर रही। और तो और इनको जब थोड़ी सी अकल आई ना तो अकल के साथ इन्होंने थोड़े से डॉक्यूमेंट जो है उसमें भी इन्होंने वेव अप किया है कि यार थोड़े बहुत तब डॉक्यूमेंट कम लेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था भाई साहब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए इनको, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, सारा कुछ मांगते थे, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार भाई साहब अगर टूरिज्म नहीं आएगा, स्टूडेंट नहीं आएंगे तो कहां से हमारी कंट्री चलेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा लेट खोला है, बाकी सारी कंट्रियों ने ओपन कर दिया था, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बट ये भी तो स्टूडेंट वीजा भी नहीं ओपन कर रहे थे, बट अब इन्होंने जाके स्टूडेंट की जो वीजा ओपन किया था ना तो उस टाइम पे इन्होंने 10,000 अलाउ किया था कि भाई साहब डेली 10,000 आ सकते हैं, तो ऐसा तो अभी टूरिस्ट का ऐसा कोई लिमिट इन्होंने सेट नहीं किया कि इतने आ सकते हैं, बट हाँ आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं, जिनको भी आना है वो आ सकते हैं, और भैया अप्लाई करिए, जापान घूमिए, पैसा खर्च कीजिए, इनको इकोनॉमिक थोड़ा ग्रो करिए, नहीं तो फिर ये अभी तक तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बैठे हैं, बट 5 साल के बाद मुझे लगता है इंडिया से भी नीचे जाएगा। और एक बात भैया देखो, अभी दिल्ली तो ओपन नहीं हुआ, तो दूसरे जहाँ पे अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई जहाँ पे भी है ना वहाँ पे अब धक्का मुक्की करने नहीं जाने का, ठीक है ना, क्योंकि आप धक्का मुक्की करोगे वीजा आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज और आप अपनी रेपुटेशन और खराब करोगे, दूसरी बार आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, इसलिए आप जिस रीजन पे हो इनकी लिस्ट है मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन से, आप जिस रीजन से हो उस रीजन पे जाके वीजा अप्लाई करना, धक्का मुक्की नहीं करना, ठीक है, और इनके कुछ जो रूल्स होते हैं ना वो रूल्स के अंदर ही काम करते हैं, जिनकी गाइडलाइन होती है ना उसके अंदर ही काम करते हैं, ये बाहर का कुछ नहीं सोचते, बाहर करना इनसे कोई मतलब है, जो इनको लिख के दे दिया गया, जो इनके वेबसाइट में मेंशन कर दिया गया, जो इनके ऊपर वाले ने बोल दिया है इनको वही करना है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो 100% आपके सही होने चाहिए, ये नहीं कि आप फर्जी कुछ लगा दे, जैसे कि सारे वीजा ओपन हो गए तो डिपेंडेंट वीजा वगैरह भी ओपन हो गया है,
तो ये नहीं कि आप डिपेंडेंट पे जा रहे हैं, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कुछ लगा दो, एक्चुअली पहले एफिडेविट टाइप का वो भी लगा सकते थे, बट अभी इन्होंने उस केस में अभी इन्होंने साफ मेंशन किया है कि ऐसा अभी नहीं है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ये सब सर्टिफिकेट वो एफिडेविट में चलता है, बट उसको थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से। अब जैसे ना ये टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं इस टाइम पे, तो वीजा भी मिलना इजी है, तो मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप खुद जाके वीजा अप्लाई कर सकते हैं, इमिग्रेशन में जाइए और थोड़ा सा रस होगा तो टेक ऑफ अ टाइम लीजिए और वहां पे जाइए, क्योंकि जो इनका भैया सीधा से होता है, जो फर्स्ट आता है वो फर्स्ट में जाता है, ऐसा यहाँ पे कोई वो नहीं होता, तो वीजा जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो इसमें चाहिए, क्योंकि जो मेन है ना, जैसे कि आप एम्प्लॉय हो तो आपको एम्प्लॉय चाहिए होता है, जो एम्प्लॉय सर्टिफिकेट होता है, ऑफर लेटर या सैलरी स्लिप जो भी है वो चाहिए होगा, और आपको ITR वगैरह चाहिए होती है, आप एग्रीकल्चर है तो एग्री वो भी लगा दो, जितने भी डॉक्यूमेंट आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करिए, आप खुद जाके अप्लाई कीजिए, किसी भी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं भैया, नहीं तो एजेंट तो भैया अच्छे से मारते हैं, सबकी ठोकते हैं, तो किसी को 2-4 लाख देने की नहीं है, ये बहुत कम फीस है, मैं अभी मुझे फीस एग्जैक्ट पता नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जाकर देख लेना, शायद 2,000-2,500 से नीचे ही होती फीस, इससे ज्यादा होता नहीं, तो किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो मैं आपको एक मोटा मोटा आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट के क्या क्या लगेंगे। देखो अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका एक कवर लेटर लगता है, जो कि एक एज अ रिज्यूमे टाइप का होता है, आपको रिज्यूमे देना होता है, आपका पूरा बायोडाटा और एक पर्पज भी आपको देना पड़ता है, तो ऑब्वियसली आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो आप वही टूरिज्म में लिखोगे कि मैं घूमने जा रहा हूँ, ठीक है। और आपका ITR बैंक स्टेटमेंट जो 100% लगती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ में आपको होटल बुकिंग लगेगा, और अभी तक मैं बता दूं कभी इसमें मैंने पढ़ा था तो अभी फ्लाइट वगैरह का इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया कि फ्लाइट टिकट लगेगी या नहीं, बट हाँ वो भी करवा लेना, क्योंकि यार आओगे तो जाओगे और वो जाना ही पड़ेगा भैया, जापान का पासपोर्ट नंबर 1 पे रहता है, कभी भी यहाँ पे आके कोई गलत काम मत करना, क्योंकि ये अच्छा काम करते हैं, अच्छे काम वालों को पसंद करते हैं, तो गलत काम मत करना, एक बार आओ फिर जाओ, फिर अगर आप आना चाहते तो आ सकते हो, या फिर आप 90 डेज में आते हो तो आप यहाँ पे जॉब भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है कि आप टूरिस्ट वीजा जॉब नहीं सर्च कर सकते, आप यहाँ पे जॉब भी सर्च कर सकते हैं, आपको एम्प्लॉयर होना चाहिए, आपको जॉब मिलती है, 3 महीने में प्रोसेस नहीं होता है, आप कंट्री एक बार लीव करना पड़ेगा, वहां से वापस आओगे, तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए सैलरीड पर्सन के लिए। जो अनसैलरीड है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद की अपनी बिजनेस करता है, तो उनके अपने कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लाइक जैसे कि कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन होता है, GST होता है, ये सब आपको चाहिए होगा, तो आप डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, कोई धक्का मुक्की मत करना वहां पे जाके, क्योंकि इनके लिए भी फिर काम बढ़ जाएगा, अगर आप ज्यादा लोग जाएंगे तो इनके लिए भी काम बढ़ जाएगा, तो टाइम भी लगेगा, तो इस टाइम पे अगर आप थोड़े थोड़े बंदे जाओगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दो, डॉक्यूमेंट्स बनवाओ, आप थोड़े थोड़े जाएंगे ना तो जल्दी काम होगा। और अगर आपको टूरिस्ट वीजा मिलता है, आप 3 महीने के वीजा में आते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई ग्रेजुएशन है, देखो सबसे पहले बता दूं आपको, जापान में जॉब करने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, और +2 10th वाले तो बिल्कुल भी मत मुझे कॉन्टेक्ट करना, क्योंकि बहुत मुझे कॉन्टेक्ट आते हैं और मैं एजुकेशन पूछता हूँ बता दे तो भैया नहीं मिलेगी जॉब, तो जो ग्रेजुएशन है, और यहाँ पे अगर आप जैपनीज वगैरह अगर थोड़ी बहुत अगर आपको आती है, डेली कन्वर्सेशन आती है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन है, आपके पास स्किल है, आपको इंग्लिश वगैरह भी ठीक ठाक है, तब भी एक बार आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं भी शायद मिलके कुछ कर सके, मैं आप लोगों के साथ कुछ कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। तो ठीक है गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इतनी अच्छी आपको खबर दी है इतनी एनर्जी के साथ में, तो मुझे क्या दोगे बदले में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये जो रेड वाला बटन है ना सब्सक्राइब वाला, घंटी बोलो घंटा बोलो जो मर्जी बोले, पुश होना चाहिए, बगल वाला नोटिफिकेशन ऑन होना चाहिए, ताकि मैं और कोई वीडियो डालूं तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप मेरा फर्स्ट व्यूअर बन जाए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ओके। और अगर कोई लेटेस्ट कोई न्यूज आती, कोई खबर आती तो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, तो आई होप वीडियो पसंद आएगा, मजा आया होगा, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद।